एक कुम्हार था, मतलब पॉटर, जो बहुत ही सुंदर मिट्टी की चीज़ें बनाया करता था। कभी मिट्टी के घड़े, कभी दिए, कभी कुल्हड़, कभी बर्तन, ये सब बना के और मार्केट में सेल किया करता था। एक बार उसने बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ बनाया। सर्दियों का टाइम था, वो उसे बेचने निकला। मार्केट में सब कुछ बिक गया, पर चार बहुत सुंदर घड़े नहीं बिके। अब वो चारों घड़े बड़े उदास हो गए। वो एक दूसरे से बात करने लगे। एक बोला, यार मैं तो इतना सुंदर हूँ, पर फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा तो मैं एक थाली बन जाता, तो किस कोई ना कोई आज मेरे ऊपर रख के खाना खा रहा होता। दूसरा बोला, यार तू सही कह रहा है, देख मैं भी तो इतना सुंदर हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं खरीदा। काश मैं ना कोई एक दिया बन जाता, तो किसी के घर को रोशन कर रहा होता। तीसरा बोला, यार मेरी भी कोई वैल्यू तो है नहीं। इससे अच्छा तो ना मेरे को पैसे बहुत पसंद है, काश मैं गुल्लक बन जाता, तो किसी के घर में आज मेरे अंदर ढेर सारे पैसे होते। चौथा जो था वो बहुत शांत था, तो सबने उसको पूछा, चौथे घड़े तू भी तो इतना सुंदर है, तेरी कोई वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, तुझे भी कोई नहीं पूछ रहा। तो चौथा बोला, यार मुझ में ना एक चीज़ है, वो है पेशेंस, तुम लोग भी पेशेंस रखो। अभी किसी को ये बात समझ नहीं आई, पर कुछ 3 या 4 महीने बीत गए और गर्मी का समय आया। गर्मी में वो चारों के चारों घड़े बहुत ही अच्छे प्राइस पे बिक गए। आज उन तीनों घड़ों को वो बात समझ में आई। आज वो चारों घड़े किसी की प्यास बुझाने में बहुत काम आते हैं। कबीर दास जी का भी एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात धीरज रखने से सब कुछ प्राप्त होता है। हो सकता है यदि एक पेड़ को बहुत सारे घड़ों से भी सींचा जाए तो उसमें फूल और फल ना लगे, परंतु उसकी सही ऋतु आने पर उसमें फल अवश्य लगेंगे। इसलिए हर इंसान को पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, एक दिन उसे अपनी वैल्यू जरूर मिलती है। थैंक यू।